हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और पिछले मॉक टेस्ट में जो कल 10 बजे दिया गया था सुबह में, उसके सही जवाब देने वाले हैं 92 और 93 क्वेश्चन के। आशीष यादव, शिल्पी सिंह, विपुल जैन, सभ्या मोहन, शिल्पी सिंह, विपुल जैन, प्रियंका कुमार, शिल्पी सिंह, राजेश खटवालिया और मोहम्मद साजिद। इतने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए, आज भी आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप सही जवाब देते हैं सबसे पहले, तो आपका नाम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अनाउंस किया जाएगा आज की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी। थैंक यू। आई हैव यू। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट है बहुत ज़रूरी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 प्रश्न हैं, जिसमें से 13 प्रश्न तो मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। और आप सबको कमेंट में सबसे पहले उसका जवाब देना है जो सही जवाब देगा, और सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में दिया जाएगा। तो आप सबको लाइक करना है और उसके बाद अपना सही जवाब देना है कमेंट में। थैंक यू सो मच, तभी नाम लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उनके परिवेश के प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। जी हाँ, विद्यार्थियों को उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान के आधारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना शिक्षक केंद्रित का है या बाल केंद्रित का है या काम केंद्रित का है या समाज केंद्रित का। सही जवाब होगा बाल केंद्रित शिक्षा का, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समावेशी शिक्षा से है। तो समावेशी शिक्षा देख लीजिए आप लोग, समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बाँट रहा है। शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदल सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। शिक्षार्थियों में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व दे रहा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब दूसरा ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है दैनिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, त्रैमासिक या वार्षिक। ठीक है, तो सही जवाब होगा अधिगम का आकलन आप दैनिक परीक्षण से कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी उपलब्धि का आकलन आप वार्षिक परीक्षण या त्रैमासिक परीक्षण से कर सकते हैं, लेकिन अधिगम का आकलन दैनिक परीक्षण से करना होगा कि बालक ने रोज कितना सीखा और क्या सीखा। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य उसकी आयु के अनुसार करता है सामान्य है, और आयु के अनुसार सामान्य है लेकिन उसे करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक है, पिछड़ा, सामान्य, सृजनात्मक या प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब होगा पिछड़ा बालक होगा, ए ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं कार्य करने में गति, परिवार में समायोजन, स्कूल में समायोजन, पास पड़ोस में समायोजन। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, स्कूल में समायोजन प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का सामाजिक नेतृत्व निम्नलिखित में से किस तकनीक से निर्धारित होता है, जीवन वृत्त से, साक्षात्कार से, निरीक्षण से या समाजमिति तकनीक से। क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब होगा समाजमिति तकनीक, चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित नहीं होता है, व्यवस्थित अधिगम, अभ्यास, हस्तलेखन या अवांछित विश्राम। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब होगा अवांछित विश्राम। ठीक है, उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन का बुनियादी आधार नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो पहला विकल्प देखिए, अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, ये इसका बुनियादी आधार नहीं है पहला, बाकी तीनों हैं। ठीक है, खेल आधारित शिक्षण विधियाँ, शिक्षण पद्धतियाँ मुख्य रूप से योगदान है बाल केंद्रित प्रवृत्ति का, विद्यालय केंद्रित प्रवृत्ति का, गृह केंद्रित प्रवृत्ति का, या फिर चौथा विकल्प यहाँ पर देखिए शिक्षक केंद्रित। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ ज़्यादातर
बाल केंद्रित प्रवृत्ति का योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, आत्म अनुशासन, नवीन शिक्षण सहायक सामग्रियां, कठोर शिक्षा प्रणाली या फिर विद्यालय की इमारत, चार विकल्प हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सही जवाब होगा पहला, आत्म अनुशासन। ठीक है, चलिए, एक बालक स्वयं के खाने के स्थान पर मिल बांटकर खाना पसंद करता है, वो बालक क्या है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या अनुशासनहीन। तो 11 में सही जवाब होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का, दूसरा विकल्प सही है। जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, व्यवहारीकरण, अनुभवीकरण, आत्मसातकरण या उपलब्धिकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर होगा आत्मसातीकरण, क्योंकि अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को जब वो सार्थक ढंग से संबंधित करेगा तो आत्मसातीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का, अपरिवर्तनशीलता का, निरंतर का या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही जवाब होगा अपरिवर्तनशीलता, ये विकास का सिद्धांत नहीं, बाकी दोनों हैं। अब ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 14 और 15 का सही जवाब आपको ऐसे लिख के देना है कि 14 का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, या 15 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों क्वेश्चन के सही जवाब देंगे तो अगले टेस्ट में आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, बालक की मनोवृत्ति परिवर्तन से, या नीचे के ये दो विकल्प देख लीजिए। और 15वां है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो क्या परिणाम होता है, मनस्ताप, कुंठा, द्वंद्व या प्रत्याहार। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसी का नाम लिया जाएगा। तो आप सबको वीडियो लाइक करके तब कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप सभी के नाम के साथ। थैंक यू।